चैनल लास्ट वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने कैची धाम विजिट किया था. सो कैची धाम देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं कसार देवी. सो कसार देवी में ये एक कॉटेज है अल हितो. तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं. इसकी बुकिंग नहीं करी थी हम लोगों ने, डायरेक्टली यहाँ पर आए, यहाँ पे अवेलेबल था और ये हम लोगों ने ले लिया है. तो अभी आज का क्या प्लान है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है. अभी नीचे हम लोगों ने पहाड़ी खाना ऑर्डर करा है जो भी हम खाने जाएंगे, और मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि ये कॉटेज कैसा दिखता है. और अगर यहाँ पर मौसम अच्छा रहता है, मतलब अच्छा तो अभी भी है, लेकिन जब क्लियर वेदर होता है तो पंचाचुली की जो पांचों पहाड़ियाँ हैं वो, और नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, तीनों यहाँ से दिखाई देते हैं. होप करते हैं कल सुबह जब सनराइज़ होगा तो शायद हमें कुछ देखने को मिले. बस अभी जा रहे हैं नीचे कुछ खाने के लिए और फिर बताएँगे आज का हमारा क्या प्लान है. तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने खाना आने का. काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, स्पेशली जो उन्होंने यहाँ पे खाने पीने के लिए और जो एक कैफ़े वाली फील दी है ना, वो काफ़ी अच्छी है. और जितना मुझे पता है इनके यहाँ जो पहाड़ी खाना मिलता है वो काफ़ी फेमस है. तो हम लोगों ने ऑर्डर कराया पहाड़ी रायता जो जखिया डाल के बनता है, जो मैं अभी दिखाऊँगी आपको. और हमने ऑर्डर कराया पहाड़ी चिकन और एक पनीर की सब्ज़ी वगैरह ऑर्डर करी है. अच्छा लग रहा है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, हल्की हल्की ठंड हो रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और वेट कर रहे हैं. बारिश हो जाएगी तो पीछे बहुत ही अमेजिंग सा व्यू दिखेगा. आप कसार देवी कैसे पहुंच सकते हैं? जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा कैची धाम तक हम लोग ड्राइव कर आए थे, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं. सबसे ईजी ऑप्शन यही होता है कि आप नैनीताल या हल्द्वानी से कैब हायर करें और वहाँ से आराम से कैब लेकर आ जाएं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना है तो बसेस चलती हैं, बट बसेस के लिए आपको दो तीन बसेस बदलनी पड़ेंगी तब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं. सेकंड ऑप्शन है कि आप हल्द्वानी से या नैनीताल से टू व्हीलर रेंट कर लीजिए और वो लेके आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं. जिस सड़क पर हमारा कॉटेज है इसी विसिनिटी पे, यहाँ पे कसार देवी मंदिर भी है यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर, और उसी के आसपास बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ से आपको हिमालयन व्यू दिखता है. तो कोई भी होटल चूज़ कर सकते हैं. तो खाना आ गया है हमारा, ये है पहाड़ी चिकन, पनीर की सब्ज़ी, ये है पहाड़ी रायता और चावल. खाते हैं इसे फटाफट. बहुत ही अच्छा खाना है, मतलब स्पाइसी बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है. हम लोग अभी खाना ना फिनिश करते हैं और फिर बताते हैं आज का हमारा और क्या प्लान है. गुड मॉर्निंग. तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं कसार देवी टेम्पल के लिए. कल हम नहीं जा पाए थे बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा थी और हमें लगा सुबह सुबह ज़्यादा बेटर होगा, हो सकता है कल शाम को भीड़ होती. तो बस अभी निकल रहे हैं, यहाँ से करीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है और फिर आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है मंदिर तक. तो अभी निकल रहे हैं फटाफट से. Thank you.
मंदिर के बारे में जितनी मेरी नॉलेज है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पृथ्वी के चारों तरफ एक रेडिएशन बेल्ट होती है जिसका नाम है वैन एलन बेल्ट, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था उनका नाम था वैन एलन, और उन्हीं के नाम पर इस बेल्ट का नाम भी है। सो सोलर सिस्टम से जो कॉस्मिक रेडिएशन आती है ये बेल्ट उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन इस पूरी बेल्ट में तीन जगहों पे गैप्स हैं, उसमें से एक है कसार देवी, दूसरा है यूके में स्टोनहेंज, और तीसरा है पेरू में माचू पिचू। तो ये तीन जगहों पे कहा जाता है कि अगर आप आके मेडिटेट करें या अगर आपको सुकून और शांति पसंद है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। 1890 में यहाँ पर विवेकानंद जी आए थे, उन्होंने अपनी लेखनी में इस जगह के बारे में बात करी है। उन्होंने अलग अलग लेवल की यहाँ पे मेडिटेशंस भी करी थी। यहाँ पर मंदिर से थोड़ा सा ऊपर ही एक शिव जी का मंदिर भी है जहाँ पे लोग आके योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और नीचे एक पॉइंट है जैसे एक व्यू पॉइंट होता है, वहाँ पर ब्रह्मी लिपि में कुछ कुछ लिखा गया है जो करीबन 2000 साल पुराना है, और ये मंदिर भी करीबन 2500 साल पुराना है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कुछ मुझसे गलती होगी तो आप नीचे कमेंट में बता देना। और जिस तरीके का एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे, राइट, जो एक बहुत ही शांति महसूस हो रही है यहाँ पर आकर, उस वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वीडियो में, उसके लिए आपको यहाँ आना चाहिए। एक तो वैसे ही बहुत पीसफुल है यहाँ पर, लेकिन इस मंदिर में आके एक अलग सा एहसास हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर मंदिर के ही परिसर में बैठे हैं हम लोग, फिर उसके बाद अपने होटल की तरफ वापस चलेंगे। तो नाश्ता वगैरह करके अब हम लोग आ गए हैं जागेश्वर धाम, जो करीबन 36 किलोमीटर दूर है कसार देवी टेम्पल से। इसकी क्या मान्यता है वो पहुंच के बताती हूँ, लेकिन पार्किंग हमने तो इसी रोड के किनारे पार्क कर ली है, हो सकता है आगे पार्किंग हो है। तो यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउसेज और लॉजेस भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर डायरेक्टली रह सकते हैं। अदरवाइज़ अल्मोड़ा से तो ये जगह मतलब पास में ही है, तो काफ़ी लोग अल्मोड़ा में रुकते हैं और फिर अल्मोड़ा से यहाँ आते हैं। पहुंच गए हैं जागेश्वर धाम मंदिर के परिसर में। यहाँ पर 125 छोटे और बड़े मंदिर हैं, पांच प्रमुख मंदिर हैं। सबसे बड़ा मंदिर है वो है मृत्युंजय मंदिर, कहा जाता है कि ये सबसे पुराना और दुनिया का प्रमुख मंदिर है। जितना मुझे पंडित जी ने बताया कि ये परिसर करीबन 2000 साल पुराना है, और यहाँ पर इस पूरे एरिया में करीबन ऐसे 240 मंदिर हैं, लेकिन इस परिसर में 125 ही हैं। यहाँ पर आके लोग रुद्र अभिषेक कराते हैं जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कराया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप भी ऐसे ही शिव जी की पूजा करा सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे जो मंदिर का ढांचा है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे केदारनाथ, टुंगनाथ जैसे आपने शिवा टेम्पल देखे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखे, इतने छोटे छोटे इतने सारे मंदिर हैं। इसी से थोड़ा सा आगे जाके डांडेश्वर मंदिर है, वहाँ पर भी ऐसे ही छोटे बड़े शिव जी के मंदिर बनाए गए हैं। अभी वापस जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। जागेश्वर धाम से वापस आकर अब हम लोग पहुंच गए हैं चितई गोलू देवता के मंदिर। ये अल्मोड़ा से करीबन 8 या 9 किलोमीटर पहले है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में जल जाऊंगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। पीछे पार्किंग थी अच्छी खासी बनी हुई, तो वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है और हम जा रहे हैं गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता के मंदिर के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ मैं, वीडियो लिंक कर दूँगी जो मैंने उत्तराखंड सीरीज जब स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था, आप वो भी देख सकते हैं। अभी अंदर जाके मंदिर के बारे में बताती हूँ आपको।
बहुत लंबी लाइन थी, हमें करीबन 40 मिनट तक वेट करना पड़ा, उसके बाद हमने भी भगवान जी के दर्शन कर लिए। गुलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, ये उत्तराखंड के कुल देवता हैं, और जो चितई वाला मंदिर है वो गुलू देवता का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं, चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, कहते हैं कि अगर आप भगवान जी को चिट्ठी लिखेंगे और अपनी परेशानियाँ बताएंगे तो भगवान जी आपके साथ न्याय करते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे गोलू देवता के मंदिर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर और सबसे प्राचीन मंदिर यही वाला है। उत्तराखंड के मंदिरों का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज हमने 3 मंदिर देखे, कसार देवी, जागेश्वर धाम, और अभी हम लोगों ने चितई गोलू देवता जी का मंदिर देखा। मैंने अपनी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी आप लोग को बताई थी, कहीं कोई भूल चुक हो जाए तो आप उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। काफ़ी थक गए हैं, सुबह के निकले हुए हैं, तो ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अब आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में।